हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो एनटीए की वेबसाइट पर नोटिस जो है और साथ ही साथ एक्टिव लिंक जो है वो आपके लिए पब्लिक हो चुके हैं। नोटिस यहां पर रिलीज़ किया गया है, आज 1 अगस्त को ये नोटिस रिलीज़ हुआ है। इस नोटिस के अंदर आपके लिंक भी एक्टिवेट हो चुके हैं, आपका प्रोविजनल एंसर की जो है वो आपको शो होना शुरू हो चुका है। जो रिजल्ट है कहें कि जो आपका प्रोविजनल आंसर की है और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर है वो आपका शो होना शुरू हो चुका है पीजी स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स। अब आप इसमें अपना रिस्पांस जो है वो चेक कर सकते हैं, आईसीआर के द्वारा क्या आंसर मांगा गया है, क्या आंसर माना गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर वो गलत है आंसर तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं और चैलेंज के लिए यहाँ पर जो आपकी डेट है, ड्यूरेशन ऑफ आंसर की चैलेंज का जो ड्यूरेशन है ये यहाँ पर क्या दिया गया है, पीजी और पीएचडी के लिए सेम ही ड्यूरेशन का आंसर की चैलेंज करने का डेट है। यहाँ पर कितना है, 1 यानी आज से ही लेकर आज से ही और 3 तारीख तक आप जो है 3 अगस्त 2024 तक आप आंसर को देखिए, एक अच्छे सोर्सेज वाली बुक से मैच कीजिए। अगर कोई आंसर गलत माना गया है एनटीए के द्वारा आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है, आप चैलेंज करने का लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो यहाँ पर 3 अगस्त ही है। लगभग शाम को रात को 11:50 पर आपका ये चैलेंज जो है ये बंद होने वाला है। तो आपको टोटल ही 3 दिन मिले हैं चैलेंज करने के लिए आंसर को, तो आप इसका देख लीजिएगा आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है और यहाँ पर कितना चार्जेस रहने वाला है, कितना यहाँ पर चार्जर रहने वाला है। तो यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग ए फी ऑफ 200 रुपीज फॉर पर क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन को यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए जो चार्ज है जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं आप चैलेंज कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी एनटीए का, आज उम्मीद थी कि 1 तारीख के आसपास रिजल्ट जो आंसर की है वो शो होने लगेगी और आ ही चुका है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर आप आंसर की जो है वो आप चेक कर सकते हैं।